गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वीडियो में हम 20 मई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। STRI यानी सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? राइट आंसर है OECD। सो OECD सर्विसेज ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स जारी करता है, जिसके तहत कंट्रीज को उनकी सर्विसेज की ट्रेड पॉलिसीज के बेस पर रैंकिंग दी जाती है। OECD की बात करें तो यह है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। रिसेंटली OECD और MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत इंडिया 2021 के पीसा में पार्टिसिपेट करेगा। पीसा का फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। OECD की बात करें तो OECD हर 3 साल में पीसा कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात करें तो NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है। और रीसेंट NIRF के हिसाब से IIT मद्रास है वो टॉप इंस्टीट्यूट है ओवरऑल कैटेगरी में। इसके अलावा रिसेंटली मानव संसाधन विकास मंत्रालय न्यूज़ में था, क्योंकि मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने श्रेयस स्कीम को लॉन्च किया है। श्रेयस है स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ फॉर अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स, जिसके तहत फ्रेश जो ग्रेजुएट्स हैं उन्हें इंडस्ट्री अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साइंस प्रोजेक्ट्स को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए स्टार्स स्कीम शुरू की है। स्टार्स का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड भी चालू किया है, जिसके तहत एजुकेशन सिस्टम को डिजिटाइज किया जाएगा। ICGS यानी इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विग्रह, जो कि रिसेंटली डीकमीशन किया गया है, वो किस क्लास का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है? राइट आंसर है विक्रम। सो ICGS विग्रह, जो कि विक्रम क्लास का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, वो रिसेंटली डीकमीशन किया गया है। इसके साथ साथ रिसेंटली INS रंजीत भी डीकमीशन किया गया है। INS रंजीत एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर था और ये 36 ईयर्स से इंडियन नेवी की सर्विस में था। INS रंजीत एक कासीन क्लास डिस्ट्रॉयर था। इंडियन नेवी की बात करें तो रिसेंटली इंडियन नेवी के 2 वारशिप्स INS कोलकाता और INS शक्ति ने चाइना में हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा चाइना की बात करें तो रिसेंटली चाइना ने विकिपीडिया को बैन कर दिया है, यानी विकिपीडिया अब चाइना में एक्सेसिबल नहीं है। 2019 के वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे का थीम क्या है? राइट आंसर है ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप। सो 2019 के वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे का थीम है ब्रिजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन गैप। हर साल 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा मई के सेकेंड वीक के कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा 11 मई को ही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के तौर पर भी ऑब्जर्व किया जाता है। इसका थीम था प्रोटेक्ट बर्ड्स बी द सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। इसके अलावा 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है और इसका थीम था नर्सेज ए वॉइस टू लीड हेल्थ फॉर ऑल। इसके अलावा 15 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के तौर पर मनाया गया और इसका थीम था फैमिलीज एंड क्लाइमेट एक्शन फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13। कोकोस कीलिंग आइलैंड, इनमें से किस देश की एक्सटर्नल टेरिटरी है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया की एक एक्सटर्नल टेरिटरी है और रिसेंटली ये आइलैंड न्यूज़ में था, क्योंकि मरीन साइंटिस्ट ने प्लास्टिक पोल्यूशन पर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की है। कोकोस आइलैंड्स को ऑस्ट्रेलिया का लास्ट अनस्पॉइल्ड पैराडाइस भी बोला जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के मिस्टर ग्राहम रीड हैं, उन्हें इंडियन मेंस हॉकी टीम के चीफ कोच के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश बना है जिन्होंने ऑर्फनेज ट्रैफिकिंग को मॉडर्न डे स्लेवरी का दर्जा दिया है।
इसके अलावा रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में था क्योंकि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इंडेक्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस जारी की है और इस इंडेक्स के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया टॉप पोजीशन पर है जबकि इंडिया की रैंकिंग है 19th। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया को G7 की मीटिंग के लिए ऑफिशियली इन्वाइट किया गया है। इस बार की G7 की मीटिंग फ्रांस में होनी है। कुल 7 कंट्रीज G7 का पार्ट हैं, ये हैं कनाडा, USA, जर्मनी, जापान, इटली, UK और फ्रांस। इसके अलावा फ्रांस की बात करें तो रिसेंटली पेरिस समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने क्राइस्टचर्च कॉल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है ऑनलाइन टेररिस्ट और वायलेंट कंटेंट को एलिमिनेट करना। इंडिया ने भी क्राइस्टचर्च कॉल फॉर एक्शन इनिशिएटिव के लिए साइन किया है। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में किन स्कल्पचर ने टॉप किया है? राइट आंसर है मिस्टर अनीस कपूर। सो मिस्टर अनीस कपूर ने हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट के फर्स्ट एडिशन में टॉप किया है। कद्दावो शिवदासन जिनका रिसेंटली निधन हुआ है वो किस पार्टी से संबंधित थे? राइट आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो रिसेंटली कांग्रेस लीडर मिस्टर कद्दावो शिवदासन का निधन हुआ है, वो केरला मिनिस्टर भी रहे थे। उनके अलावा रिसेंटली कुछ और पर्सनैलिटीज का निधन हुआ है। मिस्टर दूती कृष्णा पांडा जो कि वेटर्न CPI लीडर थे उनका भी निधन हुआ है। उनके अलावा रिसेंटली इथोपिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर निगासो गिदादा का भी निधन हुआ है। उनके साथ साथ मिस्टर मृणाल मुखर्जी जो कि एक वेटर्न फिल्म और TV एक्टर थे उनका भी निधन हुआ है। कमिंग राउंड द माउंटेन बुक के ऑथर कौन है? राइट आंसर है मिस्टर रस्किन बॉन्ड। सो मिस्टर रस्किन बॉन्ड हैं वो कमिंग राउंड द माउंटेन बुक के ऑथर हैं। इसके अलावा कुछ और बुक्स रिसेंटली न्यूज़ में थी। रिसेंटली पाकिस्तानी क्रिकेटर मिस्टर शाहिद अफरीदी की ऑटोबायोग्राफी न्यूज़ में थी, इसका टाइटल था गेम चेंजर। इसके अलावा अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के ऑथर हैं मिस्टर पी चिदम्बरम। एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन के ऑथर हैं फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर नबीन चावला। इसके अलावा पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के ऑथर हैं मिस सबा नकबी। बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यूरोपियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने किस बॉलीवुड पर्सनैलिटी को सम्मानित किया है? राइट आंसर है मिस्टर अनिल कपूर। सो मिस्टर अनिल कपूर को यूरोपियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चिल्ड्रन राइट्स को प्रमोट करने के लिए सम्मानित किया है। चिल्ड्रन की बात करें तो रिसेंटली इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। इसके साथ साथ क्रिकेट की बात करें तो रिसेंटली मिस मिताली राज को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का गुडविल एम्बेसडर बनाया था। इसके अलावा इंडिया की मिस GS लक्ष्मी हैं वो पहली महिला बनी हैं जिन्हें ICC के इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरीज में शामिल किया गया है। ICC है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। कमेंट बॉक्स में बताइए ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके अलावा रिसेंटली फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट मैगजीन क्रिक जोन भी रिलीज की गई थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के मिस क्लेयर पोलोसैक हैं वो पहली फीमेल अंपायर बनी हैं जिन्होंने मेंस वनडे इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग की थी, वो ओमान और नामीबिया के मैच में अंपायर थी। किस इंडियन पर्सनैलिटी को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए 2019 के UN शाशाकावा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है मिस्टर PK मिश्रा। सो मिस्टर PK मिश्रा को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए UN शाशाकावा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनके अलावा कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो रिसेंटली मिस्टर विराट कोहली को 2019 के CET इंटरनेशनल क्रिकेटर और बैट्समैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है जबकि मिस्टर जसप्रीत बुमराह को 2019 के CET इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मिस्टर सिरिल अलमेडिया को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मिस्टर GD रॉबर्ट गोवेंडर को 2019 के VK कृष्णा मेनन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी को UAE के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जायद मेडल से सम्मानित किया गया है। NMCG
HCL फाउंडेशन और इंटाक के बीच त्रिपक्षीय MOU के तहत किस राज्य में रुद्राक्ष वृक्षारोपण किया जाएगा? राइट आंसर है उत्तराखंड। सो रिसेंटली एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, HCL फाउंडेशन और इंटाक के बीच। इस एग्रीमेंट के तहत उत्तराखंड में रुद्राक्ष के ट्रीज का वृक्षारोपण किया जाएगा। ये नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत एक पहल है। नमामि गंगे की बात करें तो इसे रिसेंटली लंदन में हुई ग्लोबल वाटर समिट में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ ईयर से सम्मानित किया गया है। लंदन की बात करें तो रिसेंटली लंदन विश्व का पहला सिटी बना है जिन्होंने स्पेशल अल्ट्रा लो एमिशन जोन इम्प्लीमेंट की है। इसके अलावा लंदन रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि ये CSAT का मुख्यालय है। CSAT है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरिएट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और रिसेंटली CSAT न्यूज में था क्योंकि मिस्टर KS राधाकृष्णन को CSAT का मेंबर अपॉइंट किया गया है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।